गाइस, ये मेरी तीसरी वीडियो होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर, और मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो टाइटल और थंबनेल आपको दिखाया गया है वो टाइटा न्यू HDFC क्रेडिट कार्ड के ऊपर है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो भेजा गया था इंडिया पोस्ट के द्वारा, और इंडिया पोस्ट के मेरे जो नज़दीक मेरा पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर करीब 6 दिनों से, 6 से 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं मेरा क्रेडिट कार्ड उन्हीं के पास में है। अभी तक उन्होंने मुझे डिलीवर नहीं किया है, लेकिन अगर मैं इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर ट्रैक करूँ तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि उन्होंने शो कर दिया है, अपडेट कर दिया है कि जो पार्सल है, जो क्रेडिट कार्ड है वो कस्टमर को डिलीवर कर दिया गया है। लेकिन अभी तक मुझे कोई भी पार्सल नहीं मिला, ना कोई कॉल आया, ना किसी भी प्रकार का कोई को कॉन्टैक्ट किया गया। 7 दिन हो गए हैं लेकिन मेरा क्रेडिट कार्ड मुझे मिला नहीं है, लेकिन मेरे पोस्ट ऑफिस में आ चुका है। अब मैं पोस्ट ऑफिस गया नहीं, और हालांकि मुझे पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको मेरे घर पर आकर डिलीवरी करने की ज़रूरत है। लेकिन अब इंडिया पोस्ट है तो ये तो सरकारी है, तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ढील डालते हैं कि अरे बाद में कर देंगे, ऐसा वैसा। मतलब 7 दिन पार्सल आए हो गए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने डिलीवरी नहीं की है, और मेरा जो इंडिया का जो पोस्ट ऑफिस है वो मेरे गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अभी तक कोई डिलीवरी नहीं की है। देखो, जो इंडिया पोस्ट है और जो ब्लू डॉट है, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों कंपनियां, ये अब मैं कंपनी तो नहीं कहूँगा क्योंकि ब्लू डॉट तो कंपनी है, लेकिन जो इंडिया पोस्ट वो तो सरकारी है, उसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इंडिया पोस्ट के एम्प्लॉय और जो ब्लू डॉट के एम्प्लॉय हैं वो काम करते हैं सैलरी बेसिस के ऊपर, और जो सैलरी, अब भाई उनको तो ये है कि हम या तो डिलीवरी करने आए या नहीं आए, उनकी तो सैलरी बननी ही बननी है, समझ रहे हो, उनकी सैलरी तो बननी ही बननी है। आपका चाहे लेट हो पैकेज या फिर जल्दी मिल जाए, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खुद जाओ वहाँ इंडिया पोस्ट ऑफिस में और वहाँ से आप खुद ले लो, लेकिन वो भाई टाइम पर डिलीवरी नहीं करेंगे। 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन से रखे हुए हैं वहीं पर मेरा क्रेडिट कार्ड, प्लस मैंने पैन कार्ड के लिए भी हमारे रिप्रिंट की रिक्वेस्ट दी थी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो पैन कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों मेरे इंडिया पोस्ट ऑफिस में रखे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक डिलीवरी नहीं की है। अब एक तो ये इंडिया पोस्ट सरकारी है, तो मैंने दूसरी बात कंप्लेंट भी करके देखी है, कंप्लेंट से भी कुछ नहीं हुआ। कल मैंने कंप्लेंट की थी, आज उसको रिजोल्व कर दिया गया है। जहाँ से जो क्रेडिट कार्ड आया है, जहाँ से इसकी बुकिंग हुई थी इंडिया पोस्ट ऑफिस से, उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट पहुंची और उन्होंने इसको रिजॉल्व कर दिया है बिना किसी सॉल्यूशन के। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे ही मुझे अपना क्रेडिट कार्ड मिलता है, वैसे मैं आपको लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं इंडिया पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। 7 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक मुझे मेरा पैन कार्ड और क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है। टाइटनियम HDFC का क्रेडिट कार्ड है यार, बहुत ज़्यादा मतलब है, ये थी कि वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब यार इंडिया पोस्ट वालों ने मुझे डिलीवर किया ही नहीं। 7 दिन, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो ये बार बार बता रहा हूँ कि 7 दिन हो चुके हैं मुझे। मैंने कंप्लेंट भी रेज करवाया था कस्टमर केयर से, लेकिन उन्होंने आज उन्होंने रिजोल्व कर दिया है। अब रेजोल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि एज पर मेरे जो पोस्ट ऑफिस का नाम है, पोस्ट ऑफिस SOK के द्वारा डिलीवर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक मुझे तो भाई मिला ही नहीं है। अब ऑनलाइन आप लोगों ने अगर अपडेट कर दिया तो उससे क्या मतलब, अब मुझे जो मेरा पैकेज है वो मुझे प्राप्ति ही नहीं हुआ है। मैंने ट्रैक भी किया, सब किया, मतलब कंप्लेंट तक कर डाई, लेकिन कंप्लेंट का भी उन्होंने ऐसे ही रिजोल्यूशन दे दिया, कुछ भी कस्टमर के लिए कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। अब या तो वो किसी दुकान पर रख देगा, या तो आएगा तो करीब 1 महीने बाद आएगा, या तो मैं खुद जाकर पोस्ट ऑफिस से अपना पैकेज ले आऊँ। तो मतलब फिर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है कि अब क्या इंडिया पोस्ट है तो अब
उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, रखा है मतलब रखा है 7 दिनों से रखा ही है, पता नहीं मिलता भी है मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम होती है। 7 दिन हो गए, 7 दिन से मुझे मेरा पैकेज मिला नहीं है, टाइम पर डिलीवरी नहीं है, तो गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।